हेलो गाइस, वेलकम बैक IHT फैंटेसी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए क्योंकि कल से दोस्तों शुरू होने वाला है दुबई T10 मैच। आज हम प्रेडिक्शन करेंगे दुबई T10 मैच चालू। पहला मैच जो है पुणे डेविल्स वर्सेस डेकन ग्लैडियर्स के बीच में। दोस्तों आगे बताना चाहेंगे कि जो जो जिस जिस बंदे ने अभी भी यूट्यूब चैनल IHT फैंटेसी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये जो टूर्नामेंट होने वाला है ना, इसका हर एक मैच का टीम अपडेट दोस्तों आप लोग को मिल जाएगा IHT फैंटेसी यूट्यूब चैनल। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि आपके तरफ हर एक वीडियो आना जरूरी है हमारा। ये जो दुबई T10 है इसको हर एक मैच का कवर आपको मिल जाएगा और जो फाइनल प्लेइंग इलेवन ड्रीम इलेवन टीम होगा ना, वो दोस्तों आपको IHT फैंटेसी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए अभी मैच की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों ये जो मैच होने वाला है दुबई में, तो इसका वेदर तो नॉर्मल रहेगा, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और दोस्तों इसमें रेन के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैच पूरा हो आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आ जाइए प्रोबेबल इलेवन के तरफ। तो प्रोबेबल इलेवन जो होने वाला है पुणे डेविल्स की तरफ से हुए टॉम कोयलर कार्डमोर, ये बहुत ही अच्छा बैट्समैन इंग्लैंड का डोमेस्टिक, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। दोस्तों उसके बाद आएगा भिदिया अरविंद, ये अभी दुबई का ही प्लेयर है तो दुबई वाला जो ग्राउंड है इस पर एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा है, इसको हम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन में पिक कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आएगा वन डाउन बाय वाल्टन, उसके बाद सैम मिलिंग्स बहुत अच्छे इंग्लैंड का खिलाड़ी है, उसके बाद डारविश रसोली तीसरा प्लेयर, तो श्रीलंका का बहुत ही दिग्गज ऑलराउंडर है, इसको भी हम लोग पिक कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन में। और दोस्तों इसके बाद आएगा नासिर हुसैन जो कि बांग्लादेश की तरफ से खेलता है, बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर माना जाता है। और दोस्तों हरदुस विजयन, उसके बाद कारण किसी, उसके बाद अजंता मेंडिस और मोहम्मद रामिर, ये रहेगा पुणे डेविल्स का प्रोबेबल इलेवन। दोस्तों आइए अभी गौर करते हैं डेकन ग्लैडियर्स का प्रोबेबल इलेवन की तरफ। तो दोस्तों डेकन प्रोबेबल इलेवन में ओपनिंग आएगा साथ सुनील नारायण के साथ ओपन आ सकता है मोहम्मद शहजाद, और उसके वन डाउन पे आ सकते हैं कैमरन डेलपॉट, ये भी अच्छा T20 बैट्समैन माना जाता है। और दोस्तों इसके बाद आएगा कॉलिन इंग्राम, उसके बाद किरण पोलार्ड, पानुका राजापक्षा, आजम खान, उसके बाद रवि रामपाल, जहूर खान, एरन सामूस, नहीं तो लायोडी कुमार, दोनों में से एक खेल सकते हैं कल। और उसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट में इमरान ताहिर जो कि बहुत ही उमदा बॉलर है। तो ये हो गया दोस्तों प्रोबेबल इलेवन, अभी आइए आ जाते हैं ड्रीम इलेवन टीम की तरफ। तो दोस्तों पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो मैच होगा T10 मतलब 10 ओवर का गेम, इसमें बॉलर जो है एक बॉलर 2 ओवर हाइस्ट बॉल कर सकते, तो इसमें हम लोग को बॉलर में मतलब जो जो इम्पोर्टेंस बॉलर है उनको ही पिक करेंगे क्योंकि जो बॉलर एक ओवर बॉल डालेगा वो माइनस पॉइंट दे देगा, इसलिए जो जो मेन बॉलर है उसको ही पिक करेंगे। आइए टीम प्रीव्यू की तरफ आ जाते हैं। विकेट कीपर में हमने चूज़ किया दोस्तों मोहम्मद शहजाद क्योंकि बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन है, अगर 20 रन भी मार दिया तो ड्रीम इलेवन टीम का पॉइंट हो जाएगा। और उसके साथ वी अरविंद को लिया, ये तो दुबई का ही प्लेयर है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसके दुबई के ग्राउंड में, इसलिए वी अरविंद को पिक किया। और बैटिंग में एक और दोस्तों कॉलिन इग्राम को मैंने पिक किया, कैमरन डेलपॉट, चार्विक वाल्टन और टॉम कोहलियर कार्डमोर, ये भी बहुत अच्छा बैट्समैन है। ऑलराउंडर में मैंने लिया सुनील नारायण और किरण पोलार्ड, और बॉलर डिपार्टमेंट में दोस्तों मैंने लिया इमरान ताहिर, रवि रामपाल और मोहम्मद आमिर जो कि बहुत ही उमदा बॉलर है, विकेट टेकिंग ऑप्शन के लिए माना जाता है। दोस्तों तो ये है दोस्तों मेरा चॉइस, आप लोगों का चॉइस। विकेट कीपर में दोस्तों आप लोग आजम खान को भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा चॉइस रहेगा। आप लोग बैट्समैन में टॉम कोहलर कार्डमोर के जगह पे डी रसोलू की भी ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छा पिक रहेगा आपके लिए। और ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में सुनील नारायण, किरण पोलार्ड को हमने पिक किया है, आप लोग ऑलराउंडर डिपार्टमेंट आसिर हुसैन को भी ले सकते हो, भी पिक ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और बॉलर डिपार्टमेंट में इमरान ताहिर को मैंने लिया है, अब जहूर खान भी बहुत अच्छा पिक ऑप्शन रहेगा आपके लिए, लेकिन मेरा टीम जो है यही रहेगा फाइनल टीम। दोस्तों ये है थोड़ा रिक्स लिया GL वाला टीम बनाया। दोस्तों आप इसमें अगर अच्छा टीम बना, अगर सेफ टीम स्मॉल लीग टीम बनाना चाहते हो तो आप मोहम्मद शहजाद को भी कैप्टन कर सकते हो इसमें दोस्तों। तो ये है मेरा कल का जो टीम है यही रहेगा दोस्तों। अब बताएंगे दोस्तों, अभी ड्रीम इलेवन में जो है ना दोस्तों बहुत कॉन्टेस्ट बढ़ गया, जैसे मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों। अभी आप गौर कीजिए ड्रीम इलेवन में एक एक कॉन्टेस्ट जितना बहुत हार्ड हो रहा है हम लोग के लिए, इसीलिए मैं सजेस्ट करेंगे दोस्तों अब दूसरा कोई फैंटेसी ऐप से खेलिए, जैसे कि गो सुपर इलेवन में अभी आया है मार्केट में, बहुत अच्छा ऐप है जैसे मैं बोला दोस्तों। इस ऐप में अभी इंस्टेंट विड्रो भी ऑप्शन आ गए, आप इस ऐप से अब खेल सकते हो दोस्तों गेम, हर एक गेम आपको मिल जाएगा इस ऐप से, हर एक सुविधा मिल जाएगा, जैसे कि ऐसे ही हेल्प डेस्क में इसको डायरेक्ट जो कस्टमर केयर है ना कॉल करके आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत सॉल्व हो जाता है दोस्तों। और आपको जो फाइनल ड्रीम इलेवन जो कल का टीम होगा T10 का, वो आपको टेलीग्राम चैनल IHT फैंटेसी में मिल जाएगा दोस्तों। तो कल के मैच के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक दोस्त, थैंक यू।